सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। सुधीर जी, क्या लग रहा जी, चुनाव होने वाले हैं, क्या देख रहे हैं? सी बस चुनाव में देख रहे हैं, लोक दल के आदमी लोक दल वोट देंगे। गन्ने का इलाका सबसे बड़ी यही समस्या, मिल की योगी सरकार ने भी वादे करे थे, वो भी नहीं पूरे हुए। ना कोई बदलाव, ना कोई स्थिति है, जो कि जो अपना कर खा रहे हैं लोग, गुजारा कर रहे हैं अपना, कोई बदलाव नहीं है, कोई स्थिति बढ़िया नहीं है किसानों की। भाई जो लड़की गोल्ड मेडल ला रही है और फाइनल में पहुंच गई, और फाइनल में पहुंच गई तो 100 ग्राम वजन हो क्या जी, इसमें भी चाल है लोगों की। हम तो कहीं खास नहीं रहे, बस हमारे तो जातिगत आधार पर इलेक्शन होगा, यहाँ तो कोई काम महंगा मतलब इतनी महंगाई कुछ नहीं बच रहा। जिसे टिकट नहीं मिलता वही नाराज, इसने टिकट कहाँ से देगी गुवाहाटी। जितने भी विधायक एमपी यहाँ से बनकर गए, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया यहाँ। लगाता हूँ जी, कुछ सुविधा हुई हो? नहीं हुई, नहीं हुई, गन्ने की सुविधा बिल्कुल नहीं हुई, बाहरी गए ना पड़ो नहीं कुल्लू कुल्लू। सीसीए में आपका स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश की मीरापुर विधानसभा सीट पर है। हम बात करेंगे यहाँ पर होने वाले उपचुनाव को लेकर। यहाँ से पहले जो विधायक रहे चंदन सिंह चौहान, लोकसभा चुनाव के बाद वो सांसद बने बिजनौर से, और अब ये सीट खाली है। अब इस सीट पर देखना ये होगा कि उपचुनाव होने वाले हैं, क्या लोगों की राय है। हम मीरापुर विधानसभा के गांव रैकड़ा गांव में है, जहां पर हम यहां लोगों के बीच है, ग्रामीणों के बीच है, बातचीत करेंगे कि इस चुनाव में लोगों की क्या राय बन रही है। जी ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम अपना? देविंदर। देविंदर जी, क्या लग रहा जी चुनाव में, क्या माहौल देख रहे हैं? माहौल तो भाई लोकदल के आदमी, हम तो लोकदल को तो लोकदल तो सरकार के साथ है, अभी बीजेपी के साथ है, तो गठबंधन को ही ओढ़ दे। क्या लगा सरकार में, अच्छा किस तरह की चीजें रही आपके नहीं, लिए अच्छी रही सरकार अच्छी रही, योगी सरकार अच्छी रही। हाँ थोड़ी सी मील की प्रॉब्लम ना हमारे भाई, ये भुगतान वाली नहीं, अच्छा बढ़ने की वाली, थोड़ी सी गन्ने की दिक्कत आ जाए, थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा और बढ़ जाए, यही चीज की बात, और कुछ नहीं। क्या नाम जी आपका? ओमकार। ओमकार जी, क्या लगे सरकार जो है किसानों के प्रति कैसी व्यवहार? ठीक चल रहा, बढ़िया व्यवहार चल रहा, और क्या दिक्कत है? यहाँ आंदोलन वगैरह तो चलते रहे, धरने वरने से तो होते ही रहे। हाँ ये तो चलता ही रहता तो होते नहीं, ऐसे को भाई सभी हो तो पूरी बात नहीं पहुँचती सरकार लोग। हाँ पूरी कहाँ पहुँचन दे, वहाँ जा रही जैसे मील की समस्या बता रहे हैं। समस्या हमारी सबसे बड़ी रियाई, अब लोग इसी सरकार ने पूरी नहीं करी, तो इसे मतलब मील का दायरा बढ़ा रहे या कांटा बढ़ा रहे, क्या कर रहे क्या? इसकी कैपेसिटी बढ़ाने को पीछे योगी सरकार ने भी वादे करे थे, वो भी नहीं पूरे हुए। सबसे बड़ी हमारे जो इलाका गन्ने का इलाका, सबसे बड़ी यही समस्या मिल की। और भुगतान वगैरह की जो समस्या नहीं, अब ठीक हो गया, अब कही हुआ ठीक, पहले नहीं लेट होता बहुत। और जैसा ये रेट बढ़ाता हो जी इस बार, तो ये काफी रहा किसानों के लिए लागत के हिसाब से? काफी को भी कुछ नहीं रहा, इतना ना बढ़ा भाई, इतने बढ़ा दिए, कई साल में बढ़ाए, 20-25 रुपए बढ़ाए थे भाई, कई साल में बढ़ाए 20 रुपए ही बढ़ाए, 25 क्या। लेकिन ये मतलब पीछे से बात ही हो रही थी, लोग कह रहे थे कि भाई किसान जो है भाई उसका रेट बढ़ना चाहिए, सरकार भी कह रही थी 450 रुपये गन्ने का रेट देंगे हम। नहीं 450 तो है नहीं, अभी कहाँ हुए, अभी तो कम लिखा हुआ, 450 लिखा है। नमस्कार जी बाबू जी। नमस्कार जी, क्या नाम जी अपना? सुधीर गुप्ता। सुधीर जी, क्या लग रहा जी चुनाव होने वाले हैं, क्या देख रहे हैं? बस चुनाव में देख रहे हैं, लोक दल के आदमी लोक दल को वोट देंगे। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई जैसे पहले हुआ कि भाई सिंबल नहीं था लोक दल का, गठबंधन तो हो गया तो उसकी वजह से दिक्कत हुई है, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस मील की समस्या और कुछ नहीं, और सब काम ठीक है, बस मील की समस्या ज़्यादा है, लागत के हिसाब से कम कीमत मिल रही, तो महंगाई का असर है किसानों पे कुछ पड़े तो महंगाई का असर है जी। क्या कह रहे जी? महंगाई का मतलब इतनी महंगाई कुछ नहीं बच रहा। तो खेती कितनी बदल गई पिछले 10-15 सालों में? भाई खेती तो नीचे को होती आ रही, इतने रोग आ रहे जमीन में, वो दवाई लगा के भी जान नहीं रहे, कुछ नहीं मिल रहा बिल्कुल। तो लागत पूरी हो जाए, मतलब लागत नहीं होती पूरी,
बिल्कुल नहीं, योगी जी जैसी सरकार तो कहीं भी नहीं चल रही, बढ़िया सरकार चल रही भाई। किस तरह के फायदे आपको लगे सरकार में? मतलब फायदे एक तो गुंडागर्दी के फायदे हैं भाई, गुंडागर्दी कहीं नहीं होने दे रहा भाई, ऐसे ऐसे ऐसे। और किसान के हक में, किसान के हक में तो बढ़िया काम कर रहा बेचारा, बस और क्या करो भाई। भाई बिल भी माफ कर दिया साल भर के लिए आपको। ताऊ जी पार्टी में गुट विरोधी हो रही, अच्छा नुकसान हो रहा पार्टी को, गुट विरोधी हो रही है। हाँ ये तो है, इसे दूर करो। पहले थी इस तरह की राजनीति हो गई थी, जिसे टिकट नहीं मिलता वही नाराज, इसने टिकट कहाँ से देगी पार्टी। तो मीरापुर पे क्या देख रहे हैं आप? मीरापुर पे क्या देख रहे हैं भाई? मीरापुर तो बात क्या है, मीरापुर तो भाजपा तो सीट काट सकती है, लेकिन इसके मुझे इससे उम्मीद नहीं पड़ रही लोकदल लोकदल को। भाजपा में किसी क्षेत्रीय नेता को टिकट दिया जाए तो इससे थोड़ा नुकसान हो जा। हाँ इसमें कोशिश करी जा, किसी तरह भी समझाओ भाई, वोटिंग करो। हार का कारण तो है, अगर वोटिंग 60% भी हो गया तो फिर भी हार का कारण नहीं। लेकिन विरोध भी बहुत हो रहा सरकार का, विरोध भी बहुत हो रहा सरकार का, तो विरोध भी लोग कह रहे विरोध बहुत हो रहा है सरकार का। विरोध तो नहीं हो रहा, हमें तो लग नहीं रहा, तुम्हें लग रहा होगा विरोध। भाई दूसरी पार्टी तो विरोध करेगी, दूसरी पार्टी तो कमी छंटेगी, विरोध तो वे कर रहे जो बांग्लादेश बता रहे थे। अगर बांग्लादेश देश हो जाएगा, ये तो राकेश टिका था बांग्लादेश जैसी स्थिति बता रहा, आज इसको गिरफ्तार कर दिया एक आदमी ने, उतना किसान यूनियन वाले नहीं। बाकी यो बांग्लादेश क्यों बताया ना, क्यों करवाना चाह रहा बांग्लादेश यहाँ यो। तो ऐसे लोग विरोध करो, ये असल में राकेश टिकैत भी खिलाफ है इसके सरकार के। वो तो किसान आंदोलन से ही है। हाँ खिलाफ है वो, खिलाफत की बात करो सारी। जितने भी विधायक एम पी यहाँ से बन कर गए, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया यहाँ। और गांव में सुख सुविधाएं कैसी है? हाँ जी गांव में सुविधाएं कैसी है? भाई नाले पाले के प्रधान ऐसे काम करवा रहे, बढ़िया पैसे चीर रहे, स्कूल है अस्पताल है इनमें सुविधाएं है? कुछ नहीं, सुविधा तो खत्म हो। क्या स्कूल अस्पतालों में क्या सुविधा? कुछ भी नहीं। नहीं सुविधा तो है पर यहाँ से मास्टर नहीं बच्चे छोटा काटो जाए ना, देखकर कोई आता नहीं, बच्चों कुछ पढ़ाते नहीं, बच्चे अब जा प्राइवेट स्कूलों में जाने लगे, कोई देखता नहीं कितने बच्चे भोजन खा रहे कितने चढ़ा रहे हुए। जो भ्रष्टाचारी तो हो रहा, 75,000 रुपये तनख्वाह का इनकी, 35,000 रुपये करो, ये लड़के बीए पास पढ़े, ये 35,000 हम भेजे पंचर लड़को तड़क गई। सरकार की नीति गलत है यार भाई, पेश खेल बताओ, पेश खेल बताओ, 20 बच्चों पे एक मास्टर रखो, 30 पे एक मास्टर, मास्टर संख्या बढ़ाओ, पेश खेल घटा कर और बच्चों को वो दो रोजगार। भाई मारे आग नाला 40 साल हो रही उसे छटो, और आज नहीं छटा नहीं वो कभी, कितना की विधायक ना कितना किसी अध्यक्ष ना बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम जी अपना? वेदपाल। वेदपाल जी चुनाव होने वाले हैं, तो क्या देख रहे, क्या माहौल बनेगा? माहौल लोकदल की वोट देगा भाई। अच्छा लोकदल की, बीजेपी की नहीं? दो नहीं वो बीजेपी को सब लो तो। अच्छा तो लगे कुछ किया सरकार ने किसानों का खातर, ग्रामीणों का खातर, या उनके लिए कुछ किया हो ऐसा 10 सालों में पिछले? करनी कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। मिल बढ़िया गन्ने डाल लगा मिल में सारी, कहते गन्ने का रेट बढ़ाओगे, सुविधा करेंगे बहुत सारी, अजी तो सारी गवर्नमेंट कहती है, कभी नहीं कहा बढ़ाते हैं नहीं। लगाता हूँ जी कुछ सुविधा हुई हो? नहीं हुई, नहीं हुई गन्ने की सुविधा बिल्कुल नहीं, बाहरी गए ना पड़ो नहीं कुल्लू कुल्लू। हाँ जी बिल्कुल, मिल की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ हुई है क्षेत्र में, मील लगा कर नाम कर दिया, मील लगा दिया, गन्ना खोल दूंगा जा रहा तो उतना गन्ना ले नहीं पाता जितना होगा इधर। हाँ नहीं मील ले नहीं पाता उतना, और भुगतान वगैरह हो जैसे सही समय पे हो जाए। आपको तो ठीक दे दिया भुगतान, पहले रुका रुक जाता। हाँ क्या कह रहे थे जी? मगर नहीं ये तो मुझे दे दो,
भुगतान सही हो जा। हाँ ठीक हो रहा, सही चल रहा है। और जैसे बाकी किसानों पे और लगे आपको 10 साल में कुछ स्थिति सुधरी है, बदलाव आया किसानों की स्थिति में? नहीं, ना कोई बदलाव ना कोई स्थिति है, जो कि तू अपना कर खा रहे हैं लोग, गुजारा कर रहे हैं अपना, कोई बदलाव नहीं है, कोई स्थिति बढ़िया नहीं है किसानों की। तो जैसे 10 साल पहले अगर बात करूँ, नौकरियाँ मिलती रहती, इब 10 सालों में मिली इस तरह से नौकरी? नहीं, कोई नौकरी नहीं मिली। तो बेरोजगारी है बच्चों में, तो उस तरह समस्या भी पैदा होती है? समस्या पैदा होती। किस तरह की समस्या हो जा? यही जो मतलब रोजगार नहीं मिल रहा, सही तरीके से उनका खर्चा नहीं चल पा रहा बच्चों का, बेरोजगारी। तो ब्याह शादी में भी दिक्कत होती होगी? दिक्कत आ रही, सभी खर्चे डाउन हो रहे। तो यहाँ सीट पे क्या देख रहे? अभी तो टिकट नहीं हुए, माहौल किसका बनेगा अगर पार्टियों की बात क्या करे? तो सब के सब ऐसे ही है सरकार, तो हम तो सीधे लोकदल को, लोकदल को लोकदल बजाएंगे। अगर अगर टिकट बीजेपी के लोगों को मिला और सिंबल हुआ नलके का या फिर फूल का सिंबल हुआ, तो फिर वोट दे पाओगे आप? हाँ, और वही देंगे। वो गठबंधन के हिसाब से आप देखोगे, जो चौधरी साहब को जिनके जिसको उनकी हरी झंडी होगी उसे वोट दे, जहाँ चौधरी साहब की हरी झंडी जाएगी वहीं वोट जाएगी। क्या नाम आपका, नाम बताओ? मेरा नाम ओमकार सिंह जी। ओमकार जी क्या करते हैं? जी क्या कर रहे हो? काम खेती बाड़ी का काम कर, किसानी का काम है। क्या लगा 10 साल में, पिछले सरकार है 10 साल से, किसानों के लिए क्या बदलाव आए, फायदा हुआ कुछ नुकसान हुआ, क्या रहा? मैं किसानों के लिए तो हमें कोई फायदा दिखाई दे नहीं रहा। क्या फायदा हुआ? ना मिल के नुकसान 65 करोड़ रुपए भेज दिए, ना वे मिल में आज लो हमें दिखाई दिए कहाँ लग रहे कहाँ नहीं, सब कोई हिसाब ही नहीं है। ना मिल बढ़ रहा, 10 साल से लोग कहते आ रहे इलाके के भाई मिल बढ़ना चाहिए, मिल बढ़ना चाहिए, ना गन्ने का वाजिब रेट नहीं मिलता, इसलिए परेशान है किसान, तो किसान के पास है क्या? सरकार ने वादे करे थे गन्ने का मूल्य भी देंगे भाई, भुगतान भी टाइम पर करेंगे, और भी जो समस्या थी उन्हें भी बड़ा ख़त्म करेंगे, ऐसा हुआ कुछ लगा आपको ऐसा? भाई गन्ने के 20 रुपये बढ़े थे पहले, तो बताओ 20 रुपये में कहाँ लागत पूरी हो रही किसान की, इतनी महंगाई है। देखो मुद्दे तो सरकार में बहुत, पहला मुद्दा तो बेरोजगारी का ही हो भाई, बच्चे बेरोजगार हो, दूसरा महंगाई है, जो गैस का सिलेंडर 1100 रुपये का धलख्या सिर्फ, अब नू बताओ ये कहाँ से पूर्ति, कैसे किसान कहाँ से कर लगा पूर्ति इनकी, बच्चे स्कूलों में ढंग से पढ़ते नहीं, तो किसान तो परेशान नहीं है भाई। तो स्कूल की स्थिति ठीक नहीं है, स्कूलों में ना मास्टर तो छोड़ रखे 20-20 बच्चे वहाँ 10, इतने मास्टरों की जरूरत क्या है वहाँ? अच्छा, बेरोजगारी की बात कर रहे थे, बेरोजगारी है उस तरह से, बच्चे लोग जैसे पहले भर्ती हो जाती भाई, नौकरियां पर चले जाते, कोई पुलिस में कोई आर्मी में, आर्मी तो इन्होंने 4 साल की कर दी अभी अग्निवीर, तो ये दिक्कतें हैं इस तरह की नौजवानों के सामने? भाई हमारे विचार से तो अग्निवीर भी इन्होंने गलत करी, ये सेना का काम, अब जो बॉर्डर पर सेना रहती है अग्निवीर में 4 साल करके ये बेचारे कहाँ जाएंगे? अगर ये परमानेंट रहते तो ये कम से कम वहाँ पूरी नौकरी करते अपनी। अच्छा ये बताओ आप, जैसे अभी ये पहलवान की बात हो रही थी पीछे से, जो देश की बेटी है विनेश फोगाट, उसके साथ वह गोल्ड मेडल के लिए लड़ रही थी, और आखिरी में उसके साथ कह दिया, अब उसे बाहर कर दिया, 100 ग्राम वजन ज़्यादा आ गया उसका, तो ये आपको कितना सही गलत लगा? ये तो बिल्कुल गलत है सर, 100 ग्राम वजन हो कितना? भाई जो लड़की गोल्ड मेडल ला रही है और फाइनल में पहुंच गई, और फाइनल में पहुंच गई, तो 100 ग्राम वजन हो क्या? तो आपको लगे साजिश है उसकी? साजिश 50 ग्राम को भी खिड़ा जा पा जी, इसमें भी चाल है लोगों की। नमस्कार, क्या नाम जी? सोरण सिंह जी। सोरण जी क्या लग रहा जी, उपचुनाव आगे होने वाले, क्या देख रहे हैं, क्या माहौल लग रहा? अभी तो भाई टिकट के ऊपर बात है, जिसका टिकट किसका हो उसको, उसके ऊपर हो, अभी उस तरह से सोच नहीं रहे। हाँ, जब जिसका टिकट हो जाएगा, जब देख के ध्यान होगा भाई, वो तो टिकट के ऊपर बात है, वो तो जो जिसका टिकट में लगा उस आदमी को देखना पड़ेगा वो किस ढंग का आदमी। जब अच्छा काम कैसे रहे सरकार के 10 साल में? काम तो कहीं खास नहीं रहे, बस हमारे तो जातिगत आधार पर इलेक्शन होगा, यहाँ तो कोई काम, एक मोड़ ना मिलता उसे, योगी जी कदी हो बड़ा करते हैं, बोर्ड लगवा दे, पैसा देते नहीं,
बोर्ड लग जा कर ले। बोर्ड लग जा, पैसा आज लो नहीं आया। अब फिर कहेगा, अब फिर कहेगा गया, फिर खत्म, पैसा कुछ है नहीं। यहाँ की तो एरिया की बहुत समस्या। चल ऐसे करो, हम लोग उत्तर प्रदेश की मीरापुर विधानसभा सीट पर थे, जहाँ पर हमने लोगों से बातचीत, गांव वालों से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि इस बार उपचुनाव में लोगों की क्या राय है। लोगों का मानना है कि कहीं ना कहीं लोगों, किसानों के जो मुद्दे हैं उन पर अभी भी काम नहीं हुआ है और सरकार को ध्यान देना चाहिए, लोगों का ये मानना है। जुड़े रहे शीशे से, उत्तर प्रदेश से आप खबर आती रहेगी। धन्यवाद। ठीक, एक बात और लिख दियो। हाँ हाँ, मील का इतना बड़ा मुद्दा हो, पूरी मीरापुर।